ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। ट्रिपल तलाक को लेकर आज मदनपुर में जुमा नमाज के बाद मौलाना औलमाए ने अपनी गिरफ्तारी दी है। कई वर्षों से चल रहा था ट्रिपल तलाक का बहस, सांसद भवन, राज्यसभा, यही नहीं बल्कि पूरे देश में इस ट्रिपल बिल को लेकर आवाज़ उठती रही है। लेकिन बीजेपी इस बिल को पास ही कर दिया है। अब ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बन गया है और आज मुंबई के मदनपुर में हरी मस्जिद के पास ट्रिपल तलाक को लेकर मौलाना व उलमाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है और बीजेपी मुर्दाबाद का नारा भी जमकर लगाया है। फिलहाल मौलाना उलमाए को पुलिस गिरफ्तार किया है, कानूनी कार्रवाई करके उन्हें छोड़ दिया है। हम आपको बता दें, अब तीन बार तलाक कहकर बीवी को छोड़ देना अपराध है। तीन तलाक देने वाले पति को 3 साल की सजा हो सकती है। पति सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि जुर्माना भी हो सकता है। तलाक दिया गया वो महिला या उसका परिवार FIR दर्ज करा सकता है और FIR हो गई तो बिना वारंट के ही गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी होने पर पुलिस जमानत नहीं दे पाएगी। मजिस्ट्रेट महिला की बात सुनकर जमानत पर फैसला देंगे और मजिस्ट्रेट चाहे तो सुलह कराकर शादी बरकरार रख सकते हैं। अब ट्रिपल तलाक पर कानून बन गया है, अब उन लोगों के लिए खैर नहीं है जो व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर चिट्ठी में लिखकर तलाक भेज देते हैं। अब वो अगर ऐसा किए तो उन पर FIR दर्ज हो जाएगी। मुंबई से कल एक पहला मामला मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर तलाक बोल दिया। आज पूरे देश में इस बिल से कुछ महिलाएं खुश हैं तो वहीं कुछ महिलाएं नहीं खुश हैं। और मोदी सरकार की जीत थी मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले और ये बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था और बीजेपी सरकार ने बिल को पास कर दिया है। फिलहाल मुस्लिम उलमाए मौलाना मदनपुर में आज इस बिल का विरोध किया है, अपनी गिरफ्तारी दिया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।